हेलो नमस्कार किशन भाइयों। किशन भाइयों आज आपके लिए लेके आए मक्का की उन्नत किस्मों के ऊपर वीडियो। किशन भाइयों आज हम बात करेंगे मक्का की टॉप 3 उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो किशन भाई चैनल में पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किशन भाई बात कर लेते हैं मक्का की उन्नत किस्म, क्योंकि आने वाले सीजन में 1 से 1.5 महीने बाद आप वो पता है मक्का की जो किशन भाई खेती करते हैं वो जैसी बारिश चालू होते हैं मक्का की खेती चालू कर देंगे। इसलिए हम किशन भाई मक्का की 3 उन्नत किस्म के बारे में वीडियो लेके आए जिससे अच्छा उत्पादन और कम लागत में अच्छी पैदावार ले सके उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किशन भाई वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वो पहले नंबर पे हम जो किस्म ली है वो है डी 941। किस्म ये संकुलित किस्म है और ये मक्का की खेती हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसकी प्रति हेक्टर पैदावार की बात अगर हम करें तो 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें पैदावार मिल जाती है और ये फसल तैयार होने में किस्म 80 से 85 दिन का समय लगता है। तो किस्म भाई वो बात कर लेते हैं हम दूसरी वरायटी है प्रकाश JH 3189। किस्म ये किस्म संकर किस्म है, जल्दी पकने वाली किस्म है और इस किस्म की खेती पूरे भारत में की जाती है। किस्म भाई वो और ये किस्म की फसल हमें 80 से 85 दिन में पककर तैयार मिल जाती है। इस किस्म की प्रति पैदावार की बात करें किसान तो इसकी भी हमें 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ तक हमें पैदावार मिल जाती है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे जो वरायटी है, जो हमारी सबसे लास्ट वरायटी है किसान भाई, वो है गंगा 5 के नाम से किसान भाई ये वरायटी आती है। मक्के की किस्म को तैयार होने में लगभग 90 से 100 दिन लग जाते हैं और प्रति हेक्टर हमें पैदावार किसान भाइयों 55 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टर तक हमें पैदावार मिल जाती है। और किसान भाइयों ये किस्म की फसल के मक्के के दाने पीले रंग के होते हैं और ये सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली किस्म है। तो किस्म भाइयों आप हम बत किस्म जो हमने बताया आपको 3 मक्का की उन्नत किस्म उसके बारे में वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत।